नाइट ऑफ सोर्ड, यू अंडरस्टैंड, ये बोलना चाह रहे हैं ये। और एक नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, आपको पता है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही एक रिसोर्सफुल आदमी है, जो हमेशा कुछ जब मैनेज करना होता है ना तब आता है। ये काफ़ी मनी से पावरफुल है, टैक्टफुल है, सब चीज़ मैनेज करता है, और इसने ही कुछ मैनेज किया है। ओके, एंड आई विल टेल यू समथिंग, आई फील दैट दिस गाई इज समबडी हु इज इन्वॉल्व बिग टाइम इन दिस होल गूफ अप एंड मिस्ट्री, बट ये आदमी लाइमलाइट से बहुत दूर है। ओके, ये उतना लाइमलाइट में नहीं आ पाया है जितना सैलमन फिश आया है। दिस गाई इज इन्वॉल्व बट ये बहुत ही चालाकी से दूर रहता है हर चीज़ से। ही इज ऑल्सो बिग टाइम इन्वॉल्व इन दिस। और दूसरा चीज़ है कि इनको इनको ट्रैप करने में बहुत लोगों बहुत पैसे दिए गए हैं सब लोगों को, ठीक है। इनको पूरी तरह से, जो ये यहाँ पे आप देखो तो ये फोर्ट भी दिख रहा है, इनका घर हो सकता है ये, जहाँ पे इनको बिल्कुल ट्रैप करके मारा गया है। इसमें काफ़ी पैसा दिया गया है, यू नो द मनी हैज़ बीन फ्लोन लाइक एनीथिंग टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है अगर आप देखिए तो, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसे डालेगा ही। और यहाँ पे डेथ का है सीन, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे दो क्लैरिफायर पुल करूँगी टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स हियर। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये किंग ऑफ कप्स का बेटा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ना पेटेंट वाली बात आ गई है, ये जो किंग ऑफ कप्स, जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है वो किंग ऑफ कप्स का बेटा है, जो कि नाइट ऑफ कप्स भी है। ही वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस काइंड ऑफ अ थिंग, तो यहाँ से ही रीजन है। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें आ रही हैं। अब किंग ऑफ, ओके ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है जो इनको मारा गया है, तो वन ऑफ द रीजन, या फिर हो सकता है मेन रीजन आप बोल सकते हैं, वन ऑफ द मेन रीजन्स है कि मनी कंसर्न, और वो जो पेटेंट उनका था वो चीज़ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो पेज ऑफ पेंटिकल्स है और ये नाइट ऑफ कप्स का बेटा है, राइट। और यहाँ पे आप देखो कि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो गया, यानी कि विथ हिज पेटेंट स्टफ ही हैज़ ग्रोन फ्रॉम पेज टू नाइट, यानी कि इसके इसका बिजनेस बढ़ गया है, मनी इंक्रीज हो गया है सो मच विथ हिज मनी थिंग, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, तो ये डेफिनेटली एक जो पेटेंट का चीज़ है, ये डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स है इनके डेथ के केस में। ऑल राइट, लेट मी पुल दिस कार्ड एंड सी वॉट गाइडेंस इज कमिंग फॉर ऑल द पीपल हियर हु वॉन्ट्स टू लिसन फ्रॉम सुशांत, वॉट ही वॉन्ट्स टू टेल देम। वाओ, एमिथिस्ट स्कल, वाओ, व्हाट इज दिस गाइडेंस। ड्यूरिंग द गोल्डन एरा ऑफ अटलांटिस, ईच ऑफ द हाई प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस ऑफ द 12 ट्राइब्स Fashioned a crystal skull that was an advanced computer and programmed it with the knowledge and wisdom held by their tribe. All the information was placed into the amethyst master skull, which is kept safely in the inner planes. Wow, guys, do you get it what I'm saying? अभी तुरंत मैंने पेटेंट का बात किया है, और ये वाला जो एमेथिस्ट स्कल है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सीक्रेट नॉलेज दैट वॉज स्टोर्ड इन दैट एमेथिस्ट स्कल। रिसीविंग दिस कार्ड सजेस्ट यू लुक फॉर द हाइएस्ट परस्पेक्टिव इन अ सिचुएशन दैट प्रेजेंट्स इट टू योर सेल्फ। एक्सप्लोर द डिटेल्स, वेन यू हैव ऑल द फैक्ट्स टेक डिसीजन विथ विजडम एंड इंटेग्रिटी। आई एक्सप्लोर ऑल द इन्फॉर्मेशन बिफोर आई टेक अ डिसीजन, यानी कि ये बताना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन था, हाई टेक इन्फॉर्मेशन था, वो सारा चीज़ कहीं पे स्टोर्ड है। ओके, एंड ही इज़ पॉइंटिंग आउट टूअर्ड्स दिस, एंड ही इज़ टेलिंग दैट वन ऑफ हिज, क्योंकि ये अपने
मोस्टली अपने डेथ के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं हमें, ओके, डेथ के बारे में बता रहे हैं और ये अपने उस इंफॉर्मेशन के बारे में भी बता रहे हैं, तो कहीं ना लगता है ऐसे कि उनका इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर्ड है और ही वॉन्ट्स अस टू एक्सप्लोर दैट काइंड ऑफ अ थिंग. आई एक्सप्लोर ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर आई टेक अ डिसीजन. During the golden era of Atlantis, each of the high priestess and priestess of 12 tribes fashioned a crystal skull that was an advanced computer program. It was the knowledge and wisdom held by their tribe. All information was placed in an amethyst master skull, which is kept safely in inner planes. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बोल रहे हैं कि ये जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, इन्होंने कहीं हाइड किया है. यू नो ही इज पॉइंटिंग अस टूवर्ड्स समथिंग. एमेथिस्ट स्कल, एमेथिस्ट स्कल, हो सकता है वो एमेथिस्ट के कलर का होगा, हो सकता है वो कुछ बोन से बना हुआ होगा. उनका इंफॉर्मेशन जो भी एक्सपोजे है, हो सकता है उन्होंने कहीं पे हाइड किया है. Is that ascended master retreats? All right, what is he telling here? I walked with the ascended masters. Wow, this is beautiful. वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो वहां पे जहां पे भी है, he is fine, he is happy there, he is walking with the ascended masters. The great masters of earth have had incarnations, mastered their lessons, and ascended. They are disciplined but compassionate, for they understand the challenges of being in a physical body. This is an invitation to visit in those ascended masters for whom you wish to learn in their retreats in the inner planes. They teach there and absorb that it is an etheric level. Okay guys, so video got extended, it became lengthy, so I have to make this video in two parts. I have already uploaded the bigger part. This is going to be the second video and I'm going to continue. And while I was uploading the video, I have pulled the clarifiers for this Knight of Sword this thing. I didn't want it to waste time, so I will continue the dots here again. Okay, maine already explained kiya hai aapko. Yes, we were at this amethyst skull, which is very important, and I'm going to explain you this in detail. But before that, मैं आपको ये बता रही थी कि हमें सुशांत क्या बता रहे हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स जो था, he had the desire of becoming this king of pentacles with his money, with his intellectual property, आप बोल सकते हो. उसके कारण दे हैड एन आई ऑन दैट. ओके, अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन पुट इन टू इज ऑल दीज थिंग्स. ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू, ओके, बिफोर आई कम टू दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, इसका क्लैरिफायर जो मैंने पुल किया है. आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग प्लांटेड थे सुशांत के साथ और उनके फ्लैट में भी. देर वॉज नो बडी यू कैन ट्रस्ट. तो ये नाइट ऑफ सोर्ड जो है, जो कि आप बोल सकते हैं कि इज द पर्सन हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो डूइंग द स्टफ्स, नॉट प्लानिंग बट एक्चुअली डूइंग द थिंग्स. यहाँ पे बिल्कुल आमने सामने हैं ये लोग. क्लैरिफायर में देखिए क्या आया है. ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड है, दिस गाय इज अ मनी माइंडेड गाय. दिस गाय इज वेरी एम्बिशियस. ही वॉन्ट्स लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिमसेल्फ. और इसने पैसे के लिए ये सारा काम किया है. मैं दिखाती हूँ, पैसे के लिए इसने बिट्रे किया है, सुशांत के पीठ में खंजर भोंका है. यहाँ पे भी देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है, मनी का लालच है, बिग बिग टाइम मनी है. व्हाई मनी? बिकॉज ही इज अ एम्बिशियस पर्सन, ही वांट्स लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिमसेल्फ. ओके, तो विद द आई ऑन लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही वांट फॉर हिमसेल्फ, विच दिस थिंग वाज गोइंग टू गेट हिम बिग मनी. अगर आप देखो तो ये इस तरह का कार्ड है जहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑक्यूपाइंग द मेजर पोर्शन ऑफ द कार्ड. तो काफी पैसे मिलने वाले थे इसको ये बिट्रेयल स्टोरी करने के लिए. ठीक है, और इसके बैक में भी ये था, इसके बैक में पेज ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मनी और ये थ्री एट ऑफ पेंटिकल्स. तो खाली पेंटिकल्स 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 का एक एम्बिशियस आदमी
नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड वो होता है जो कि अपने एम्बिशन के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये इसने काफ़ी मेहनत बस अपने एम्बिशन के लिए किया है, एक लस्ट के लिए किया है, एक मनी के लिए किया है। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ मनी 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 ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस गाय जो भी है, ये मुझे सैंडी बीच लगता है। दिस पर्सन हैज़ डन ऑल दीज थिंग्स फॉर मनी। ऑल राइट, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। लेट्स कम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। दो कार्ड आया है। ये एमेथिस्ट स्कल, आपको पता है कि ये जंप कर गया था। एमेथिस्ट स्कल क्या बोल रहा है, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ये कार्ड का आप नंबर देखो क्या है, दिस इज 21 गाइस, ओके। दिस इज मैजिकल, ओके। एंड दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग दैट आई एम रियली फीलिंग ड्रॉन टू डू दिस रीडिंग, एंड दैट इज़ वॉट हैपन्स यू नो वन यू आर ड्रॉन। दैट मीन्स दैट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद पीपल, एंड दैट इज़ वाई देर आर मैसिव डाउनलोड्स। तो ये नंबर देखिए 21 है। 21 इज़ द सेम, मैं सुशांत का बर्थडे रीडिंग कर रही हूँ, बर्थडे गाइडेंस कर रही हूँ। उनका बर्थडे 21 जन को था और ये कार्ड का भी नंबर 21 है, और ये मैंने आपके सामने ही पुल किया है। इनफैक्ट ये कार्ड जंप हो गया था। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं समझिए। यहाँ पे मैंने जो अभी तुरंत एक्सप्लेन किया है आपको कि पेटेंट का जो कुछ बात मैं बता रहे हैं यहाँ पे कार्ड में, यहाँ पे भी वो यही बात बता रहे हैं। ड्यूरिंग द गोल्डन एरा ऑफ एटलांटिस, ईच ऑफ द हाई प्रीस्ट एंड द प्रीस्टेस, 12 ट्राइब्स जो थे, एक क्रिस्टल स्कल रखते थे जो कि एमेथिस्ट के कलर का होता था, जिसमें एडवांस्ड कंप्यूटर होता था वो, और वो प्रोग्राम हो किया जाता था विथ एक्सक्लूसिव नॉलेज एंड विजडम, जो कि बस ट्राइब के पास होता था। आप समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं। ऑल दिस इनर इन्फॉर्मेशन, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वॉज प्लेस्ड इन एमेथिस्ट मास्टर स्कल विच इज़ केप्ट सेफली इन इनर प्लेन्स। ये कहीं ना कहीं हमको डायरेक्ट कर रहे हैं, यू नो दिस इज़ वेरी वियर्ड दैट आई वॉज ऑल्सो फीलिंग गाइडेड फॉर दिस रीडू टू डू दिस रीडिंग, एंड आई एम डूइंग दिस रीडिंग ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर अ मंथ्स टाइम, बट स्टिल यहाँ पे एक एज इफ कि ही इज टेलिंग अस कि लुक्स लाइक अब हमें तो क्या पता चलने वाला है कि कहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, बट आई गेस दैट ही इज़ ट्राइंग टू टेल अस दैट उनका जो एक्सपोजे था, जो कि उनका प्रूफ था, आई थिंक उन्होंने कभी हाइड किया है। यू नो आई डोंट नो व्हाट डज ऑल दीज डाउनलोड्स मीन, बट दिस इज़ वेरी क्लियर दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर। सो दैट इज व्हाट इट इज, एमेथिस्ट स्कल, एमेथिस्ट स्कल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना ब्रिलियंट आदमी है, उसने एक बैकअप तैयार नहीं किया होगा। जब उसने अपना लाइफ ही रिस्क किया है, ही गेव हिज लाइफ फॉर अ कॉज, इतना ब्रिलियंट आदमी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ही वुड हैव गिवन ऑल द थिंग्स टू दोज पीपल। उन्होंने कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसको हाइड किया है, बट वो हमें पता नहीं है कि कहाँ हाइड किया है। ऑल राइट, वी डोंट नो दैट। ही इज़ ट्राइंग टू टेल अस समथिंग, बट हाउ डू वी नो दैट। एनी वे, यहाँ पे एसेंडेंट मास्टर, ये कार्ड, ये रीडिंग बस आप लोगों के लिए ही स्पेशली है। इसमें क्या वो बोल रहे हैं, आप लोग हमेशा क्यूरियस रहते हो उनके बारे में जानने के लिए, तो वो बता रहे हैं कि ग्रेट मास्टर्स ऑफ अर्थ, जो भी अर्थ पे आता है वो वापस इनकारनेट करता है, यानी कि दूसरा जन्म लेता है, जो कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में बोलते भी हैं कि इनकारनेशंस होता है, जो कि होता भी है। और वो इनकारनेट करते हैं, या फिर वो मास्टर्स बन जाते हैं, या फिर वो मोक्ष प्राप्त करके चले जाते हैं, अपना लेसन्स लर्न करने के लिए आते हैं। वो अपना कर्मा करते हैं और फिर अपना जो स्पिरिचुअल लेसन्स या फिर उनका जो एक गोल होता है उसको पूरा करके वो चले जाते हैं, जो कि सुशांत ने भी अपना पूरा किया, अपने जान दे के पूरा किया, और वो यहाँ से चले गए। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि अब वो एंजेलिक रेल में है और ही इज़ देयर विद द अदर एंजल्स एंड अदर एसेंडेंट मास्टर्स, ठीक है। और वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि अगर आप उनके लिए इतना ज़्यादा, अगर आप फील कर रहे हो किसी के लिए, वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, बट वो आपको अपने
इस तरह से अपने लिए बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई असेंडेंट मास्टर है, असेंडेंट मास्टर जो कि प्लेन्स में आया था और अभी डिवाइन में चला गया है, एंजेलिक रेल में चला गया है, अगर आप किसी से बहुत गाइडेड फील करते हो, तो आप लोग तो सुशांत से ही गाइडेड फील करते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि रीच आउट टू मी एंड आई जस्ट रीड दिस फॉर यू. इन दिस इज़ एन इन्विटेशन, दिस इज़ एन इन्विटेशन फॉर यू, ओके, टू विजिट इन स्लीप और मेडिटेशन दोज असेंडेड मास्टर्स फॉर हुम यू विश टू लर्न. इन देयर रिट्रीट्स इन द इनर प्लेन्स दे टीच देयर स्किल्स एंड नॉलेज टू स्टूडेंट्स. यू कैन अब्सॉर्ब दिस एट एन एथरिक लेवल एंड स्टार्ट टू ब्रिंग द विजडम इन योर लाइफ. बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सुशांत के लिए आपका हार्ट बिल्कुल क्राई करता है ना, वो तो सब चीज़ देखते ही होंगे, तो यू नो यू कैन डू, you can reach out to him and he will reach out to you and answer your whatever the concerns, whatever the prayers through your dreams. ठीक है, वो आपको reach out करेंगे, he will give you solution, he will give you, अगर आप still you know you are still bleeding with his death, you know आपको बिल्कुल सुकून नहीं है, आप परेशान हो, एंग्जाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, आप सोते वक्त एक इंटेंशन सेट करके अपने सबकॉन्शियस को रिलीज कर दीजिए और आप देखो कि कैसे आपको ड्रीम्स में आंसर मिलता है इसका, थ्रू सुशांत मिलेगा. ठीक है, यू विल गेट एन आंसर एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक गाइज. इफ़ यू एवर वॉन्ट एन एनी आंसर टू एनी ऑफ योर सोल्यूशन क्वेश्चन, यू नो एनी ऑफ योर डिलेमास, एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स, जस्ट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, आस्क फॉर अ गाइडेंस, ओके, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर एंजल्स, एंड रिलीज इट टू द डिवाइन. और आप देखना कि कैसे आपको सुबह में या तो आपको कोई क्लैरिटी मिलेगा या फिर आपको ड्रीम्स में कुछ इसका पता चलेगा, एंड इट रियली हैपेंस, ओके, इट हैपेंस. तो येस, दिस इज वॉट सुशांत इज टेलिंग यू टू रीच आउट टू हिम. इफ़ यू आर रियली ग्रीविंग, इफ़ यू आर इन पेन, यू डोंट नो वॉट टू डू, देन रीच आउट टू हिम. ही विल आंसर ऑल योर कंसर्न्स, ही विल पुट यू टू पीस. या ही विल पुट यू टू पीस, दैट इज़ वॉट इट इज़. और शायद इसीलिए मैंने ये गाइडेंस मैसेज इतने दिन के बाद भी किया है, क्योंकि यहाँ पे ये दो जो कार्ड्स आया है, दे आर स्पीकिंग वॉल्यूम्स, राइट? द एमिथिस्ट स्कल विथ 21 नंबर एंड यहाँ पे असेंडेड मास्टर रिट्रीट्स विथ 49. ओके, आई वॉक विद द असेंडेड मास्टर्स है इसका अफर्मेशन, आई वॉक विद द असेंडेड मास्टर्स. ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि डोंट वरी, यू नो आई एम इन द एंजेलिक रेल्म, आई एम इन द एंजेलिक रेल्म विद द असेंडेड मास्टर्स, विद गुड सोल्स, विद डिवाइन सोल्स, विद पॉजिटिविटी. मेरे साथ जितना भी बुरा, अगर जो भी, जैसा हम भी सोचते हैं कि उनके साथ कितना बुरा हुआ, कैसे लोगों के साथ वो घिर गए थे, यू नो बेसिकली वी कैनॉट बी, वी जस्ट कैनॉट डाइजेस्ट कि किस तरह के गीदर, तो मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज एनिमल्स लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, बट किस तरह के विशियस लोगों के साथ ये घिरे हुए थे. और इसीलिए शायद वो अपना कंसर्न आंसर करने के लिए बोल रहे हैं कि आई वॉक विथ असेंडेड मास्टर्स हियर, आई एम एट पीस, आई एम इन दिस एंजेलिक रेल्म, प्रोटेक्टेड, ब्लेस्ड, गाइडेड, डोंट वरी अबाउट मी, बट इफ यू आर स्टिल ग्रीविंग अबाउट मी, सेंड मी योर कंसर्न एंड आई एम गोना हेल्प यू आउट. सो दिस इज आई थिंक बेसिकली ही वॉन्ट्स टू पुट टू यू नो ग्रीविंग हार्ट्स जो होते हैं उसको वो एक रेस्ट देना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू कंसोल यू, ही वॉन्ट्स टू पुट यू एट ईज सो दैट यू कैन एक्सेप्ट दिस. ओके, सो शायद इसीलिए मैंने ये वाला गाइडेंस किया भी है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग फील करते हैं एंड दे कैन नॉट जस्ट कम आउट ऑफ इट. तो दिस इज सुशांत रीचिंग आउट टू यू गाइज टू टेल यू दैट I'm fine, I'm walking with the Ascended Masters, don't worry about me, and if there is still that you cannot heal yourself, reach out to me, through your dreams I will address your concerns. So do this little ritual while you sleep, release it to your subconscious, and I think you will surely be answered. Okay, so that is all I have for you guys. I really wanted to do this reading, I have already explained to you in the introduction section, and I am really feeling happy that I did that. Okay, so until then, take care of yourself and bye for now.